श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद 1 अप्रैल को इमरजेंसी लागू कर दी गई। श्रीलंका में खाने पीने से लेकर लंबे पावर कट और ईंधन की कमी के चलते बढ़ते प्रदर्शन और हिंसा की घटनाओं के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकाल लागू किया है। श्रीलंका में हालात इन दिनों बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि आर्थिक संकट वहां के लोगों के लिए बड़ा जंजाल बन चुका है, जिसकी वजह से सड़कों पर जनता का गुस्सा देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि देश में कानून व्यवस्था कायम रखने, आवश्यक चीजों की सप्लाई को जारी रखने के लिए ये फैसला लिया गया। इस हिंसा के बीच पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कई हिंसाग्रस्त इलाकों में शुक्रवार को कर्फ्यू भी लगा दिया गया, जिससे प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। श्रीलंका में ईंधन की भारी कमी के चलते भारत की तरफ से 40,000 टन डीजल की खेप श्रीलंका को भेजी गई है। भारत ने डीजल की यह खेप क्रेडिट लाइन के तहत दी है। बता दें कि श्रीलंका की जनता को लगता है कि देश की आर्थिक बदहाली के लिए मौजूदा सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं, इसलिए कोलंबो में हिंसा का दौर जारी है। सरकार के नीतियों के खिलाफ लोगों ने गाड़ियों में आगजनी की। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने अपनी सरकार के कार्यों का बचाव करते हुए कहा है कि विदेशी मुद्रा संकट उनकी देन नहीं है। आर्थिक संकट काफी हद तक महामारी से प्रेरित थी, जिससे श्रीलंका का टूरिज्म भी चौपट हो गया। कोलंबो में 13-13 घंटे पावर कट से जूझ रही जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोगों के पास खाने पीने तक की चीजें नहीं है, यानी कि खाने पीने के सामान की भी भारी कमी हो गई है। वहीं खाने की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ईंधन जैसी आवश्यक चीजों की भी कमी देखी गई है। रसोई गैस की कमी हो गई है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा है कि सरकार के कुप्रबंध के कारण विदेशी मुद्रा संकट और गंभीर हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।